हेलो बच्चों, आज हम अध्याय कब, कहां और कैसे के भाग दो पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है काल निर्धारण, अतीत की जानकारी, प्राचीन काल में झारखंड और इतिहास और तिथियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम काल निर्धारण से। बच्चों, काल के आधार पे इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा ऐतिहासिक काल और तीसरा आद्य ऐतिहासिक काल। बच्चों, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने जो है घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा, अर्थात इस काल के विषय में जो भी जानकारी हमें मिलती है वो पाषाण के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों आदि से प्राप्त होता है। जबकि ऐतिहासिक काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद भी वहां के उपलब्ध लेख को पढ़ा नहीं जा सकता, अर्थात उस समय लोगों ने लिखना तो शुरू कर दिया था पर वो हमारे पढ़ने के काम में नहीं आ पाया। और आद्य ऐतिहासिक काल में मनुष्यों का लिखित साक्ष्य मिले। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे अतीत की जानकारी पर। बच्चों, अतीत को जानने के कई माध्यम हैं और उन्हीं की सहायता से हम हजारों साल पहले की बातों को जान सकते हैं। तो अतीत को जानने में जो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है वो है पुस्तक। पहले जो है हाथों के द्वारा पुस्तकों को लिखा जाता था, जिसे हम पांडुलिपि या अंग्रेजी भाषा में मैनुस्क्रिप्ट कहते हैं। बच्चों, ये जो मैनुस्क्रिप्ट है वो लैटिन शब्द मैनु से बना है, जिसका अर्थ है हाथ। बच्चों, ये जो पांडुलिपियां हैं वो ज्यादातर तार पत्तों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज्र नाम के पेड़ के छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पे लिखी जाती थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम अपनी चर्चा अतीत की जानकारी पे जारी रखते हैं। बच्चों, भारत का जो सबसे पुराना ग्रंथ है वेद ग्रंथ, उससे भी हमें इतिहास की काफी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें धार्मिक साहित्य जैसे उपनिषद, महाकाव्य जैसे रामायण एवं महाभारत, पुराण, बौद्ध एवं जैन धर्म के साहित्य और गैर धार्मिक पुस्तक जैसे चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र और काश्मीरी कवि कलहन की रचना राजतरंगिणी से मिली जानकारी के आधार पे इतिहास को समझना आसान हो जाता है। बच्चों, कई विदेशी लेखकों ने भी भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है। इन सब के अलावा पुरातत्व विभाग द्वारा जुटाए गए सबूत जैसे स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार जैसी चीजों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं कि पुरातत्व विज्ञान आखिर होता क्या है। तो बच्चों, प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को ही पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अतीत की जानकारी पे चर्चा को जारी रखते हैं। बच्चों, ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत शिलाओं, खंभों, पत्थरों या मिट्टी के दीवारों, पत्थर के छोटे टुकड़ों पे उकरे गए लेख, सिक्के आदि से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। क्या आपको पता है एपिग्राफी किसे कहते हैं? तो बच्चों, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को ही एपिग्राफी कहते हैं। बच्चों, लिखने की सबसे पुरानी प्रणाली जो है वो हड़प्पा के मुद्राओं में देखी जाती है। इसके अलावा हिंद यवन शासक ने देश में पहली बार
लिखित स्वर्ण के सिक्के चलाएं। चलिए आपको बताते हैं कि हस्तलिपि क्या होता है। तो बच्चों, हस्तलिपि जो है ये भी प्राचीन काल के जानकारी का एक स्रोत है जो हाथों के द्वारा लिखा जाता था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा अतीत की जानकारी पे जारी रखते हैं। बच्चों, पाली और प्राकृत भाषाएं अब हमारे देश में कम बोली जाती हैं। कई ऐतिहासिक किताब जो आप है आप देखोगे तो वो संस्कृत और अरबी भाषा में लिखी रहती हैं। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में बोले जाने वाली तमिल भाषा जो है पुरानी साहित्य से कुछ मिलता जुलता है। क्या आपको पता है न्यूमिस्मैटिक्स अर्थात मुद्रा शास्त्र क्या होता है? जी हाँ, सिक्कों के अध्ययन को ही मुद्रा शास्त्र कहते हैं। बच्चों, दक्षिण भारत में पुडुचेरी नामक स्थान पे खुदाई में रोमन सिक्के मिले थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे प्राचीन काल में झारखंड पे। बच्चों, झारखंड को प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। ये घनघोर जंगलों से घिरा था। उसके इस भौगोलिक स्थिति के कारण इस क्षेत्र को काफी लाभ मिला, क्योंकि जहां पे गुप्त वंश के शासकों और गौर शासक शशांक के अलावा लंबे समय तक कोई भी शासक शासन नहीं कर पाया, यहां पर अर्थात झारखंड के विभिन्न जिलों में पाषाणकालीन औजार व उपकरण भारी मात्रा में प्राप्त हुए, जिससे यह साबित होता है कि झारखंड में आदिकाल से मानव रहते आए हैं। बच्चों, हजारीबाग जिले के इसका में एक समतल शिलाखंड पे प्रागैतिहासिक मानव द्वारा की गई चित्रकारी का नमूना भी प्राप्त हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम प्राचीन काल में झारखंड पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। झारखंड के कई स्थानों से कुल्हाड़ी, फलक, बेंदनी, खुरचन्नी, बैंधक, तक्षणी आदि पत्थर निर्मित हथियार प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे छोटा नागपुर में असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि असुर जनजाति मुंडा एवं उराव जनजातियों के आगमन से पूर्व विकसित थी। आपको पता है झारखंड में उस समय की एक ईंट पाई गई है जिसकी लंबाई 17 इंच, चौड़ाई 10 इंच और मोटाई 3 इंच है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे इतिहास और तिथियों पे। हमारे जो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगरियन कैलेंडर है वो ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व अर्थात बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। बच्चों, ईसा पूर्व में वर्ष की गिनती विपरीत दिशा में होती है, जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा इतिहास और तिथियों को जारी रखते हैं। बच्चों, ईसा मसीह की जन्म तिथियों से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसको हम संक्षेप में ईसवी में लिखते हैं। एडी यानी एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वर्तमान में एडी की जगह पे सीई तथा बीसी की जगह पे बीसीई का प्रयोग होता है। सी का अर्थ है कॉमन एरा, बीसीई का फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा और बीपी का फुल फॉर्म है बिफोर प्रेजेंट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए
अब हम चर्चा करेंगे कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने काल निर्धारण, अतीत की जानकारी, प्राचीन काल में झारखंड पे चर्चा की। इसके अलावा हमने इतिहास और तिथियों पे भी चर्चा की, जिसका रेफरेंस है भारत का इतिहास कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक। अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।